हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे। अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। यह रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है व्यूअर्स। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, और व्यूअर्स एक ज़रूरी सूचना कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ और ना ही मैंने यूट्यूब पर कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या किसी और के नाम से या मेरे चैनल के नाम से भी आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ प्रोवाइड करता है कमेंट में कोई, अगर आपको, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिर आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। ओके, काफ़ी शफल कर लिया है ऑलरेडी, तो चलिए पहला कार्ड पिक करते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं वन बाय वन पिक करूंगी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। नाइट ऑफ कप्स, एनर्जी ऑफ डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। व्यूअर्स, पहली चीज़ तो ये लगती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप किस पेन में हैं। ये थ्री ऑफ सोर्ड्स है ना, ये आपकी एक पेनफुल सिचुएशन है, आपकी तकलीफ़ को दर्शा रहा है ये थ्री ऑफ सोर्ड्स, कि आप दोनों के प्यार में किसी और के इंटरफेरेंस की वजह से कोई और बीच में आ गया, इस वजह से आप लोगों का कनेक्शन खराब हुआ, या आपको इस बात की भी नाराज़गी है, इस बात का भी दुख है कि आपके पर्सन ने किसी और को एंटरटेन किया या किसी और को आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में इन्वॉल्व होने दिया। ठीक है, तो आपका दिल टूटा है यहाँ किसी थर्ड पार्टी की वजह से। व्यूअर्स, आपको ठेस पहुँची है, आप हर्ट हुए हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, यहाँ पर ऐसा लगता है। और आप ये सोचते हैं, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बात ज़रूर आती है कि आपके पर्सन आपके बिना कितने खुश हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हैं जैसे वो सेटिस्फाइड हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है और किसी की परवाह नहीं है, वो जहाँ हैं वहाँ खुश हैं बहुत। ओके, आपको उनकी, अगर आप उनके सोशल मीडिया पे नज़र रखते हो या उनके बारे में आपको कुछ पता है, तो वो पता करके भी आपको यही लगता है कि ये तो खुश है अपनी लाइफ में, इन्हें कोई पेन प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस फ्री होकर कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत अनफेयर लगता है, ये बात आपको बहुत ही इनजस्टिस लगती है और अनफेयर लगती है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, आउटसाइड इंटरफेरेंस को अलाउ किया और आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, उसके बाद भी इन्हें कोई रिग्रेट, कोई रियलाइजेशन कुछ नहीं है, दे आर जस्ट इन्जॉइंग देयर लाइफ। और यहाँ आप हैं जो दुख में इतने ज़्यादा परेशान हैं, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, यू आर इन पेन।
तो यहाँ पर व्यूअर्स, चाहे आप कितना भी कहें कि मैं अब इस पर्सन को भूल जाना चाहता हूँ या भूल जाना चाहती हूँ या प्रयास भी करें, आपके अंदर एक एक ऐसी बात अब भी बाकी है कि आपको आपके साथ जो हुआ है उसका क्लैरिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। वो एक्सप्लेन करें, अपोलोजाइज करें, क्लियर करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको क्लोजर नहीं मिला है। उन्होंने जो किया है वो ऐसा किया है कि सडनली उनके व्यवहार में बदलाव आ गया है, बात करने के तरीके में बदलाव है, ओके? आपके साथ आपको टाइम देने में भी बदलाव आ गया है। हो सकता है पहले आपको ज़्यादा टाइम देते हों, अब नहीं देना चाहते, पहले आपको बहुत अटेंशन देते हों, अब आपको इग्नोर कर रहे हों। तो कुछ इन्होंने ऐसे चेंजेस कर दिए सडनली, या यू नो आपको पता नहीं चला कि कब ऐसा हो चुका है या कब हो गया ऐसा। देखते देखते सिचुएशन कब चेंज हो गई आपको पता नहीं चला। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है व्यूअर्स कि आप चाहते हो कि ये आपको कोई क्लैरिफिकेशन दें, आपके पास कुछ सवाल हैं उसका जवाब दें। यू नो आपको क्लोजर नहीं मिला है अभी, आपके दिमाग में ये जो पेन है ये अभी एंड नहीं हुआ है। इट लुक्स लाइक कि आप जस्टिस चाहते हो, यू वॉन्ट जस्टिस। आप चाहते हो कि जो सब आपने किया उसके बदले आपको जो मिलना चाहिए वो मिले। आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप यू नो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर इन्होंने हर्ट की है तो आप जस्टिस चाहते हो, ऐसा लगता है। यू नीड आंसर्स, यू नीड क्लैरिफिकेशन, यू नीड जस्टिफिकेशन। मुझे नहीं लगता कि आप इनसे बहुत ज़्यादा ये चाहते हो कि आपसे प्यार करें या यू नो आपको कोई कमिटमेंट दें। अब आप इस बारे में नहीं सोचते हो, अब आप कुछ एक रिवेंजफुल माइंड में हो। पूरी तरह से ये नहीं कहूंगी कि आप रिवेंज लेना चाहते हो, लेकिन जस्टिस चाहते हो। जैसा ये आपके साथ कर चुके हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप सोचते हो कि ये आपके साथ अन्याय हुआ है। और जब तक आपके मन में, आपकी भावनाओं में भी ये बात रहेगी कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, अनफेयर हुआ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था, मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी, मैंने कितना कुछ किया और मुझे क्या मिला, जब तक ये बात अंदर रहेगी तब तक एक सेंस ऑफ कम्प्लीटनेस आप फील नहीं करेंगे, ओके? आपके मन में वो अधूरापन हमेशा रहेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको जस्टिस नहीं मिला है। एक कितना भी यू नो उस घाव को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन वो उभर कर आ जाएगा बाहर वापस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस पेन को, उस प्रॉब्लम को, उस इशू को, उस यू नो अपनी उस चोट को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसको हील नहीं कर रहे। अगर आपको यहाँ पर चोट लगी है और उसको आप छुपा लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं वहाँ। तो दर्द का एहसास तो आपके हाथ में फिर भी होगा, तो आपको अपने घाव को, अपनी चोट को हील करना होगा। तो यहाँ पर अभी हीलिंग नहीं है, अभी आप उस थॉट प्रोसेस में नहीं हो। ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि मूव ऑन करना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जस्टिस चाहिए। जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक आपके दिमाग यहीं पर अटका रहेगा कि आपके साथ गलत हुआ है। तो जस्टिस चाहिए आपको, फिर चाहे आप यू नो आगे से प्रिटेंड करें, ऐसे बोलकर दिखाएं कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट कितना भी ट्राई कर लो आप जस्टिस चाहते हो, आप ऐसे ही मूव ऑन नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन माफ़ी मांगने भी आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, तो इसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। जब तक होगा तब तक भी शायद इनकी एनर्जी बहुत बार चेंज हो चुकी हो, सकता है अलग अलग बातें, अलग अलग सिचुएशंस आ जाएं, इसीलिए जो चीज़ इतने समय बाद होने वाली है अभी मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। हो सकता है ये माफ़ी मांगने आ जाएं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, ये एक दो महीने की बात नहीं है, इट विल टेक टाइम, ओके? तो इनसे माफ़ी मांगनी है, ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, ये आपसे आके अपोलोजाइज करेंगे, इस सब का इंतज़ार मत कीजिएगा। यस, आपको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जब किसी का इस तरह से अपमान किया गया हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया हो, उसकी डिग्निटी को हर्ट किया गया हो, तो इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता वो इंसान, वो जस्टिस के लिए इंतज़ार करता है। लेकिन आपको इस पर्सन की अपोलॉजी का इंतज़ार नहीं करना है, जस्टिस यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा ऐसा दिख रहा है,
लेकिन आपको ये माफ़ी मांगने आए उस मोमेंट का, उस बात का वेट नहीं करना है। हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियली, फाइनेंसेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है थोड़े मटेरियलिस्टिक टाइप के हैं या टाइप की हैं। मटेरियलिस्टिक मतलब थोड़ा यू नो इमोशनल थोड़ा कम होना, थोड़ा मनी माइंडेड ज़्यादा होना। तो थोड़ा हो सकता है करियर पर इस समय ज़्यादा ध्यान है, फाइनेंसेस पर इस समय ज़्यादा ध्यान है, फीलिंग्स पर और रिलेशनशिप्स पर इनका ध्यान कम है, और मनी माइंडेड और मटेरियलिस्टिक थोड़े से लग रहे हैं, स्पिरिचुअल नहीं दिखते मुझे पर्सन। ओके या चलिए क्लैरिफाई करते हैं इस रीडिंग को, थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करते हैं। मैच्योरिटी, मुझे लगता है व्यूअर्स के एक मोमेंट आएगा ऐसा जब इनको रियलाइज होगा तभी आपके पास आएंगे, और वो समय जब होगा जब ये मैच्योर हो जाएंगे। अब उम्र कितनी भी इनकी ज़्यादा है या कम है, लेकिन मैच्योरिटी की कमी है। ओके, तो मैच्योरिटी एज से नहीं आती है। तो इनकी, मुझे लगता है एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये रियलाइज़ करेंगे और माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मैंने कहा ना उस बात को डिस्कस करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं आज भी। ओके, आज भी वो और ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं, और लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे या कर रही हो सकती हैं। व्यूअर्स, आपकी लाइफ का ये डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है। यस, आपकी लाइफ का ये डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज होने का ये समय है। आपकी लाइफ से अनवांटेड लोग, नेगेटिव एनर्जी, जेलस लोग, फेक लोग, या ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, जो लोग भी आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको किसी तरह से कोई हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन या कंफर्ट सर्व नहीं करते, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो हैबिट्स हों, चाहे वो कुछ भी हो, सिचुएशंस हों, वो सब रिलीज़ हो रहा है। ओके, सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। You can see this picture, Thunderbolt. I hope you can see this picture. कैसे यहाँ पर से ये सभी लोग ऊपर से गिर रहे हैं नीचे। ओके, तो नेगेटिविटी यहाँ से रिलीज हो रही है व्यूअर्स। आप डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पर इनका आपकी लाइफ से जाना आपके लिए आगे जाके अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा समय दिखाया जा रहा है। आपका करेंट सिचुएशन, करेंट टाइम जो आपका दिखाया जा रहा है, वो ऐसा है कि डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है। इस पीरियड में आपके लाइफ में से नेगेटिविटी रिलीज होगी। तो इस समय जो भी आपके पास से जा रहा है उसे जाने दीजिए, रोक कर प्लीड मत कीजिए और उसे रोकने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो एक कोडिपेंडेंसी है आपकी भी, कि आप उनको डिपेंड, आप उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, उन पर डिपेंड हो रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। वो अभी आपको नहीं करना है। इस वक्त जो आपकी लाइफ से जाता है उसे जाने दीजिए, जो रुक रहा है उसे रुकने दीजिए, और फिर देखिए आगे क्या आता है, वो क्या बदलाव आ रहा है। किसी को रोके मत, जो अपना है वो नहीं जाएगा, जो नहीं है अपना उसे जाने दीजिए, आप नहीं रोक के कुछ कर सकते। ओके, तो ये आपकी लाइफ का डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है। आपको हर्ट हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ से कोई गया है, किसी ने धोखा दिया है या समथिंग, लेकिन अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर हुआ है तो वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। न्यू विजन यहाँ पर साफ साफ आपको देखिए, न्यू विजन का कार्ड है। यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको नई दिशा में, यानी कि नए नई चीज़ों के बारे में, लाइफ के लिए एक नया विजन क्रिएट करना है, यानी कि आगे बढ़िए, पुरानी बातों को छोड़ के एक न्यू विजन क्रिएट कीजिए। क्योंकि न्यू विजन का मतलब ये है कि एक और पर्पस, एक नया पर्पस, एक नई दिशा आपको मिले जिसके अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को आगे लेकर जाएं। ओके, तो पुरानी चीज़ें रिलीज हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपको एक नया विजन क्रिएट करना है, एक नया गोल चाहिए, एक नया पर्पस चाहिए, और उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो अपनी लाइफ के फ्यूचर को इस समय आप प्लान कीजिए। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि मुझे ये करना है वो करना है, एक ओवरऑल विजन क्या होना चाहिए आपका, आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो,
इस बारे में सोचिए और उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीने का समय आ गया है। इट कैन बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, यह आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। डिवाइन आपको क्या गाइड करेंगे ये हम देखते हैं। लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन। व्यूअर्स, डिवाइन आपको कोई साइन दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, ओके? ये भी हो सकता है कि आपके सपनों में आपको कुछ मैसेज मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, लेकिन आपको साइन मिल रहा है कि आपको यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ना है। आपको कुछ साइन मिल रहा है, यस। अगर ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको रेड फ्लैग का साइन मिल रहा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होगी जहाँ आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर सकते दोबारा, ओके? तो यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ साइंस भेज रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो आपको वो समझ में आएगा कि क्या साइन आपको मिल रहा है, ओके? तो यहाँ आपको जस्टिस चाहिए। आप कुछ अपने साथ इनजस्टिस हैंडल नहीं कर सकते, तो आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। मिलेगा जस्टिस, बट आपकी लाइफ की सिचुएशन के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्या है मीनिंग, क्या करना है आपको, और इनके सॉरी का वेट नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि और ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं। दे आर नॉट वेटिंग फॉर यू। ये रीडिंग नेगेटिव नहीं है, ये सिचुएशन है एक, ओके? हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। आप ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके व्यूअर्स? जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतना आप समझ लीजिए, उतना आप अपने लिए एज गाइडेंस ले लीजिए, लेकिन जो रीडिंग आपके साथ है, जो मैसेजेस आपके साथ मैच नहीं हो रहे हैं, उनको जाने दीजिए, लीव देम, ओके? अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा इस रीडिंग में। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए रिलेटेबल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, अगर किया है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ओके? और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं आप, ओके व्यूअर्स? और ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या किसी और के नाम से या मेरे चैनल के नाम से भी आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देता है, उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड और स्कैम हो सकता है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।